क्षेत्र के पास दांडेसर में गुरुवार को हुई एक सड़क दुर्घटना में भारतीय सेना के पूर्व सैनिक की जान चली गई, जबकि उनकी पत्नी और बेटी गंभीर रूप से घायल है। दुर्घटना उस समय हुई जब राजौरी से जम्मू आ रही पूर्व सैन्य कर्मी की कार और जम्मू से राजौरी जा रहा ट्रक दांडेसर में आपस में टकरा गए। घायलों को उपजिला अस्पताल नौशेरा ले जाया गया, जहां दरहाल निवासी मोहम्मद सगीर ने दम तोड़ दिया। जी, ये दांडेसर में अभी अभी एक छोटी गाड़ी के ऊपर ट्रक जो है वो चढ़ गया, जिसमें जो तीन लोग हैं वो इंजर्ड हुए थे, जिनमें एक जो मोहम्मद सगीर थे, आर्मी से रिटायर्ड थे, तो एट प्रेजेंट वो पंच थे, दरहाल ददोज के रहने वाले थे। उनकी डेथ हो गई है। उनकी बेटी कासिया जो है वो सीरियस है बहुत ज़्यादा, उसको भी रेफ़र कर दिया गया है। उनकी बीवी जो है उनकी भी कंडीशन ठीक नहीं है, उनको भी रेफ़र कर दिया गया है। ये जो हाईवे बना है ये एक मौत का घर बन गया है हमारे जम्मू कश्मीर और खिता पीर पंजाब के लिए। आप देखें, इतने इतने शार्प मोड़ बना दिए गए हैं, जब तक इसके बीच में डिवाइडर नहीं होगा मैं तो कहता हूं कि ये हमारे लिए मौत का घर बन गया है।